फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे कर रहे थे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, न्यूमेरिकल एनालिसिस का सोल्व पेपर कर रहे थे। 2017 का पेपर है ये, हम सोल्व कर रहे थे। अब फ्रेंड्स, हम इस फ्रेंड्स में हम यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 ए, मतलब यूनिट 3rd का जो क्वेश्चन आता था वो उस पे आ चुके थे। वो है अपने पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन था अपने पास सॉल्व बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक इक्वेशन दी हुई है अपने पास, वो हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। जो इक्वेशन दी हुई है वो है अपने पास 10x1 - 7x2 + 3x3 + 5x4 = 6, -6x1 + 8x2 - x3 - 4x4 = 5, 3x1 + x2 + 4x3 + 11x4 = 2, 5x1 - 9x2 - 2x3 + 4x4 = 7। ये अपने पास इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें जो ये दिया हुआ है, पहले इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, इसको 1, 2, 3, 4, ये अपने पास इक्वेशन दी हुई है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में इसका x1 का जो मल्टी गुणांक है उसको x1 बना लेते हैं हम। तो ये 1 बनाने पे अपने पास आ गया, सॉरी, x1 - 0.7x2 + 3x3 + 0.5x4, या 0.3x3 था, = 0.6। ये आ चुका है फ्रेंड्स अपने पास। हमने दोनों तरफ 10 का डिवाइड कर दिया है तो ये आ गया है। अब हमारे पास बाकी के इक्वेशन हमने में कोई डिफरेंस नहीं किया, तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1A दे सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1A दे सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर कोई इक्वेशन नंबर 1 और 4 से फ्रेंड्स, अब ये जैसे 1 दिया हुआ है, अब इसके इसकी हेल्प से अगर हम इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 तीनों में से हमें एक्स का विलोपन करना चाहे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे ये दो जो ये x1 वाली टर्म कट जाएगी, बाकी जो टर्म आएंगी वो आएंगी 8 प्लस इसमें ऐड किया तो 4.2x2, सॉरी फ्रेंड्स, माइनस का साइन आएगा, या 8 माइनस, ये हम ऐड कर रहे हैं तो माइनस साइन के साथ आएगा। इसी तरह ये आ जाएगा अपने पास 4 प्लस, इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई किया है, 4 + 1.8x3। फ्रेंड्स, हम इक्वेशन नंबर इसमें से और इससे ले रहे हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है हम किस किस इक्वेशन से ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, आएगा इस पे x1, तो हमारे पास इससे विलोपन हो जाएगा। अब ये आया इस इक्वेशन से ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 8 - 4.2x2। उसके बाद अपने पास आएगा यहाँ से -1 + 1.8x3। उसके बाद यहाँ से +-4, यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा +0.3x4 = 5 + 3.6। तो इक्वेशन आ गई अपने पास, ये इक्वेशन जो आ जाती है वो आ गई अपने पास 3.8x2 + 0.8x3 - x4 = 8.6। फ्रेंड्स, इसी तरह हम जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें हम,
इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करें और इसमें से इसको निकाल दें तो अपने पास आ जाएगा, जो अपनी क्वेश्चन आएगी नई क्वेश्चन वो होगी अपने पास 3.1x2 + 3.1x3 + 9.4x4 = 0.2। अब फ्रेंड्स इसी तरह हम इसमें से इससे और इससे एक्स वन का विलोपन करें तो इस कंडीशन में अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसको माइनस करने के बाद अपने पास एक्स वन का विलोपन हो जाएगा और जो नई कंडीशन आएगी वो आएगी अपने पास -5.5x2 - 3.5x3 + 1.5x4 = 4। इसको हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नई क्वेश्चन दे लेते हैं, इसको दे देते हैं हम 5, 6 and 7। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें जो एक्स टू का हम गुणांक देखते हैं, एक्स टू का जो अधिकतम गुणांक क्या है वो वैसे 3.1 - 5.5, यहाँ पे 3.8 सबसे अधिक है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें संख्यात्मक गुणांक देखना होता है, मतलब कि हमें साइंस से कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें साइंस से मतलब नहीं है, तो हमने ये सबसे बड़ा है तो हमने सबसे पहले इस एक्स टू का विलोपन इसकी हेल्प से करते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ इस इक्वेशन में हम -5.5 का डिवाइड कर देते हैं तो ये अपने पास जो इक्वेशन आती है वो आ जाती है अपने पास, फिर से इक्वेशन आ जाती है अपने पास वो है अपने पास x2 + 0.6363 x3 - 0.273 x4 - 0.7277। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब फ्रेंड्स हम इसकी जो जो हमने पहले किया था, जैसे एक्स वन का विलोपन किया इसी तरह हम एक्स टू का विलोपन करते हैं, एक्स टू का विलोपन एक बार इससे करते हैं, इसमें 3/8 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं, इस तरह 3.1 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करने पर एक्स टू का विलोपन हो जाएगा। जो अपने पास इक्वेशन आएंगी वो इस तरह से आएंगी -1.61818x3 + 0.0363x4 = 11.36364। फ्रेंड्स मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा जल्दी में बोल गया, तो मैं आराम से फिर से बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। हम इसमें कर रहे हैं वो है एक्स टू का विलोपन कर रहे हैं। एक्स टू का विलोपन करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें 3.2 का मल्टीप्लाई किया, 3.8 का मल्टीप्लाई किया और 5 में से घटा दिया। 5 में से इसको घटाने पर जो 3.8 का मल्टीप्लाई करने पर तो एक्स टू इसमें से घट जाएगा, तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस बार हमने 3.1 से मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को और इसमें से इक्वेशन नंबर 6 में से इसको माइनस किया है, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1.12727x3 + 10.3454x4, ये आएगा इक्वल टू 2.45455। ये अपने पास इक्वेशन आ चुकी है। अब फिर जब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, अब दो ही अननोन है। अब हम इसमें इन दोनों का आराम से इसमें आराम से जैसे इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1. इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं हम 7 और इक्वेशन दे चुका है इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। अगर हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 8 में एक्स थ्री का हम इसमें से विलोपन करना चाहे तो हमें x3 का विलोपन करने के लिए इसमें 1.12727 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, और जो सही इक्वेशन नंबर 9 है उसमें 1.61818 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस दोनों का मल्टीप्लाई करने से x3 का जो कोफिशेंट होंगे ये सेम हो जाएंगे, तो उसको ऐड करने पर ये अपने पास x3 कट जाएगा तो x4 आ जाएगा, जो x4 आएगा वो अपने पास आएगा x4 बराबर आ जाएगा -7.02247 और x3 बराबर जो आएगा वो आएगा अपने पास, उसके बाद x3 की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं तो आ जाएगा अपने पास -0.00247, ये आ जाएगा।
सॉरी फ्रेंड्स, ये वैल्यू नहीं आएंगे, एक्स फोर की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे वो आएगी अपने पास, एक्स फोर की वैल्यू आएगी 1, एक्स थ्री की वैल्यू आएगी -7, एंड उसके बाद ये दोनों वैल्यू आने के बाद हम इनकी वैल्यू क्रम इनमें रखते जाएंगे। जैसे अपने पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे इससे, तो फिर इसमें दोनों वैल्यू रख देंगे तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी अपने पास एक्स टू बराबर आएगा अपने पास 4। अब एक्स टू की वैल्यू किसी भी इस इक्वेशन के किसी पार्ट में रख देने से हमारे पास एक्स वन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5, ये आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये अपने जो पास वैल्यू है ये अपने पास फिक्स वैल्यू नहीं है, कहीं अगर आप जो सॉल्व करके देखना चाहें कि अगर ये सोचा हम कि ये वैल्यू इसमें इन इक्वेशंस में रख लें और उनको सेटिस्फाई करें, ये फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो अपने पास ये सॉल्यूशन है ये हम जगह जगह पे इस पर हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ की है, तो ये सॉल्यूशन है जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7B का क्वेश्चन है, अप्लाई गॉस सीडल इटरेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन का सिस्टम दिया है 2x1 + 3x2 + x3 = 2, 3x 10x1 + 3x2 + 4x3 = 10, 3x1 + 6x2 + x3 = -6, ये दिया हुआ है अपने पास। अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स गॉस सीडल मेथड क्या कहता है, गॉस सीडल मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो जिसका कोफिशेंट सबसे बड़ा हो उसके लिए सॉल्व करते हैं, तो हम इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा कोफिशेंट एक्स टू है, तो ये एक्स टू बराबर आ गया 1/3 2 - बाकी टर्म को बदल ले गए 2 - 2x3 - 2x1, ये आ गया। अब फ्रेंड्स इसके लिए एक्स वन बराबर आ गया 1/10 10 - 3x2 - 4x3, ये आ गया। अब फ्रेंड्स हम इसके लिए हम देखते हैं, तो ये अपने पास 3 इसमें 6 हाईएस्ट है एक्स टू के लिए, बट एक्स टू के लिए अपने पास यहाँ पे है, तो हमने इसको सबसे बड़ा करना, इसको हमें एक्स थ्री के लिए चाहिए, तो इसके लिए हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स अपने पास जो एक्स थ्री का ये अपने पास हाईएस्ट आ गया, तो एक्स थ्री बराबर आ गया अपने पास एक्स थ्री बार बाकी टर्म को इधर ले गए तो 6 + 3x1 + 6x2 और जो इसका कोफिशेंट था -1 इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया अपने पास, अपने पास एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री के लिए अपने पास कोफिशेंट्स हैं। अब फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं इसमें प्रथम सन्निकट, प्रथम सन्निकट वो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इस इक्वेशन में जो दी हुई है अपने पास इक्वेशन, इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन में हम रख लेते हैं अपने पास एक्स थ्री एंड एक्स वन बराबर 0, तो ये एक्स थ्री एंड एक्स वन बराबर 0 आ गया, तो एक्स टू बराबर आ गया अपने पास 2/3। इसी तरह इसमें एक्स टू एंड एक्स थ्री बराबर 0 रखा हमने, तो ये आ गया अपने पास, फिर अपने पास एक्स टू की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब हमने एक्स वन की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, एक्स टू की जगह तो एक्स टू वन जो सन्निकट होगा वो अपने रख सकते हैं, लेकिन एक्स थ्री की वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमने रख दिया 1/10 10 - 2/3, तो ये हो जाएगा -2/3 × 3 और ये 0 हो जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा अपने पास 8/10 जिसको हम लिख सकते हैं 4/5 एक्स वन हो गया। अब हमने एक्स थ्री की वैल्यू निकालनी हमें, तो एक्स थ्री के लिए सन्निकट रखने हैं, इसका सन्निकट रखना है, इसका सन्निकट रखना है, ये एक्स टू वन बोलते हैं इसको, इसको एक्स टू वन ये वो बोल गए, ये एक्स टू वन एंड एक्स वन वन। अब एक्स थ्री निकालते हैं तो ये आ जाएगा -6 + 3 × x1, एक्स वन क्या अपने पास ये रहा 3 × 4/5 + यह आ जाएगा 6 × x2 क्या अपने पास 2/3, तो इसको सॉल्व किया अपने पास तो ये आ गया -6 + 12/5 + ये आ गया अपने पास 4। फ्रेंड्स जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है एक्स थ्री वन बराबर आ जाता है 2.4। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी हैं, अब हम द्वितीय सन्निकट निकालते हैं, फिर से हम सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू हम रख लेते हैं जो प्रथम सन्निकट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी, वो आई थी अपने पास एक्स वन वन बराबर आया था अपने पास 2/3
सॉरी एक्स टू वन एक्स वन वन आया था वो आया था 4/5, एंड एक्स थ्री वन आया था वो आया था अपने पास 12/4 माइनस का, ये फ्रेंड्स माइनस का 12/4 आया था, ये आ गए अपने पास, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो वो एक्स टू वन, इसके अकॉर्डिंग निकालने होते हैं एक्स टू वन निकालते हैं तो वो आएगा अपने पास 1/3 टू। अब ये टू माइनस हमें फ्रेंड्स यहीं से करना है, टू माइनस 3x1 जो प्रथम से निकट आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x3 माइनस 2x3 1, सॉरी माइनस 2x1 1, ये हमने सन्निकट की वैल्यू रख देनी है। एक्स टू से सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ये आएगी इस तरह से, ये 1/3 टू माइनस, और ये आ जाएगा इससे अपने पास 2 × x3 1 जो है अपने पास वो है माइनस 12.4, एंड माइनस 2 × x1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो अपने पास 4/5। अब फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है इसकी वैल्यू 8.4। इसी तरह हम जब एक्स वन सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है अपने पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपली यहाँ पे 10 ये x3 x2 1 ये 2 आ जाएगा क्योंकि हमें ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास पता है और ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा अपने पास 1/10 माइनस 3x2 2 माइनस 4x3 1, ये अपने पास है। अब फ्रेंड्स इसमें वैल्यू होते हैं तो 1/10 ये आ जाएगा 10 माइनस 3 × x सेकेंड x2 ये वैल्यू आई थी 8.4 माइनस 4 × x3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू फर्स्ट पे क्या आई थी वो होती है अपने पास माइनस 12.4। अब फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास तो फ्रेंड्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 3.44। अब हम x3 2 से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं x3 की तो वो आ जाती है अपने पास सिंपली यहाँ पे इसमें सभी जगह x2 2 आ जाएगा इस कंडीशन में तो आ जाएगा माइनस 6, यहाँ पे आएगा 3x1 2 एंड 6x2 2, सॉरी माइनस 6 अंदर है प्लस 3x1 2 प्लस 6x2 2 जिसकी वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 3x1 2 की वैल्यू रखी अपने पास तो वो आ जाती है अपने पास 3x1 2, ये रहा 3 × 3.44 प्लस 6 × 6 × ये आ जाएगा अपने पास 8.4 जिसको सॉल्व करने पास पर हमारे पास सॉल्व करने पर फ्रेंड्स ये आ जाएगा अपने पास माइनस 66.72। फ्रेंड्स इसी तरह से हम थर्ड टर्म की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपली जो प्रोसेस किया था x2 के लिए वही हमें x3 के लिए करना है। ये इस टर्म निकाल के हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा वो x3 तक पूछा है उसको निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। ये फ्रेंड्स हमने आपको इसका मेथड बता दिया, इसमें मेथड से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर इसमें कहीं मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी आपका मेथड इसमें पूरा करेक्ट है।